Hi beauty lovers, welcome to my channel. It's Inky Sharma. So guys, we all know that our skin is the first thing that people notice about us, और हम भी चाहते हैं कि हमारी skin सबसे best दिखे. So guys, if you want healthy glowing skin, then keep watching this DIY beetroot face pack tutorial. इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए बीटरूट, हनी एंड बेसन. तो हमें बीटरूट लेना है और उसको हम पहले अच्छे से कट कर लेंगे और उसको पील कर लेंगे, और पील करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है. अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको ग्राइंड कर सकते हो या फिर इसको घिस सकते हो, क्योंकि हमें बस इसका जूस ही चाहिए. तो मैं ग्राइंड करूँगी इसको सबसे पहले और इसको फिर छन्नी में छान लूँगी, क्योंकि इसका प्योर जूस मिल जाएगा हमको. तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसका पल्प भी साथ में यूज़ कर सकते हो पेस्ट के लिए. तो आप देख सकते हो कि एकदम प्योर जूस इसका निकल चुका है. सो गाइस, बीटरूट का प्योर जूस निकालने के बाद अब हमें डालना है इसमें बेसन और हनी. एंड गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो. अगर आपको ज़्यादा पतला पेस्ट चाहिए तो इसमें जूस ज़्यादा रहने देना, और अगर आपको थिक पेस्ट चाहिए तो इसमें बेसन ज़्यादा मिलाना. सो मेरे से भी थोड़ा पतला पेस्ट बन गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दिया था. तो अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है. तो आप चलते हैं एप्लीकेशन मोड पे. सो गाइस, अब हमें इसे अपने पूरे फेस पे लगाना है अच्छी तरीके से. गाइस, बीटरूट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारे स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करते हैं. ऑल्सो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और स्किन इरिटेशन को भी रिड्यूस करता है. एंड गाइस, हनी हमारे स्किन को ग्लोइंग तो बनाता ही है, प्लस हमारे स्किन को हाइड्रेट भी रखता है. ऑल्सो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं एक्ने एंड अदर स्किन इन्फेक्शन से. सो गाइस, ये सिलिकॉन वाला ब्रश है तो इससे ना नहीं लग पा रहा था, तो मैंने अपनी फिंगर से ही लगा लिया. तो हमें इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है. रिमेंबर गाइस, आपको अपने आई एरिया से इस पैक को बिल्कुल दूर रखना है. सो गाइज, बेसन तो बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता आ रहा है. आप बेसन को एक स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो. ये एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो हेल्प करता है डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में. एंड गाइज, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन को सूट और काम करती हैं. आपको इसे अपने फेस पर लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, या फिर ये जब तक पूरा सूख नहीं जाता जब तक आपको इसे अपने फेस पर रखना है. तो गाइज, जब आपका फेस पैक सूख जाएगा तो आपको अपने गीले हाथों से अपने फेस पर मसाज करनी है 1 से 2 मिनट के लिए. जब भी आप कोई फेस पैक लगाओ तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि गाइज, मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग होती है. गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये तीनों इन्ग्रीडियंट आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं तो अपनी स्किन पर इन्हें बिल्कुल भी मत लगाना. सो गाइज, मसाज करने के बाद अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है. एंड गाइज, इसे आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल लव द रिजल्ट. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय.